बड़ी साजिश है कि कैसे इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ बिल्डिंग रहे और स्टूडेंट्स गायब हो जाए, और खासकर जो मार्जिनलाइज तबके से आते हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, जो एससी एसटी ओबीसी आते हैं, उन सबको निकाल दिया जाए। और इसीलिए आज जरूरत है कि जो मूवमेंट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं सिर्फ यहाँ खत्म ना हो, इसको इस जनरल इलेक्शन का इशू बनाना पड़ेगा। मोदी जी आए पार्लियामेंट में और बहुत बड़ी बड़ी बातें किए, बोले कि दो दिन के अंदर हमने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दे दिया है, हमने गरीब लोगों के लिए किया है, आप सब हमें वोट दीजिए। दो दिन के अंदर कोई नहीं कर सकता था, हमारा प्रोस्पेक्टस भी लीक होके आया। आज तक जेएनयू में ये कभी नहीं हुआ कि प्रोस्पेक्टस लीक हो गया, और उस पे ये वाइस चांसलर कह रहा है कि हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। आप सब आके ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। सारे टीचर्स को यहाँ बोला गया कि आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें सबमिट कीजिए, हम देखेंगे कि आप कितना सही है कितना नहीं है। इस वाइस चांसलर को चैलेंज देना चाहते हैं, बाकी तो छोड़िए, सिर्फ एसएल का क्वेश्चन पेपर आप चेक करके दिखाइए। इनकी हिम्मत नहीं है वो करने की, इतना वो पढ़ा लिखा नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, ये मैं यहाँ से बोल रही हूँ। और इसीलिए उसको इस कैंपस को छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसीलिए जब मैंने बोला कि ये इशू को जनरल इलेक्शन का होना पड़ेगा, क्यों क्यों? क्योंकि ये मोदी जी बोले कि गरीब तबकों के लोग आएंगे, 3600 रुपए देके कौन सा गरीब आ पाएगा, एग्जाम तक नहीं दे पाएगा, वो अंदर कैसे आएगा? मुझे भी याद है जब 2012 में मैं फॉर्म भर रही थी, मैंने भी सोचा था क्लैट का फॉर्म भरूंगी, तब वो 2500 रुपए का हुआ करता था, और मेरे घर वालों ने मुझे भरने नहीं दिया कि इतने पैसे नहीं है हमारे पास। और वो तब जब हमारे घर वालों को लगता है कि हम गरीब नहीं है, ऐसी स्थिति में हम ये फॉर्म नहीं भर सकते, वो कैसे सोच रहे हैं कि ये फॉर्म लोग भर पाएंगे? और इस गुस्से में हमें उतरना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा आपने जो किया है ये हर एक स्टूडेंट देख रहा है, और जितने लोग यहाँ फॉर्म भरते हैं वो सब देख रहे हैं कि आपकी जो साजिश है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बर्बाद करने को नहीं है, इसको तो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी हर जगह हो चुका है। ऑनलाइन एग्जाम एमसीक्यू की बात की गई, हम उनसे पूछना चाहते हैं कौन सा रिसर्च एमसीक्यू के थ्रू होता है, क्या आप रिसर्च कर सकते हैं टिक लगा के? किसी प्रोफेसर ने सही कहा कि जेएनयू का एग्जाम का सबसे बड़ी खासियत होती है कि चार ऑप्शन अगर आपको दिया जाए आप पांचवा ढूंढ निकालेंगे। क्योंकि इसी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है जेएनयू, कि अगर हम किसी क्वेश्चन पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत सारा जो पर्सपेक्टिव है उसके थ्रू हम अपना पर्सपेक्टिव बनाना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है आपने किसी एक नजरिए से देखा हो, मेरा एक नजरिया है, और इसीलिए बार बार जब रिजर्वेशन लागू किया जाता है, फ्लॉट किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि जब जेएनयू में मार्जिनलाइज तबके के लोग आते हैं तो अपनी जगह की बात करते हैं, अपने जो सोसाइटी में जो हो रहा है उसको बदलाव की तरह देखते हैं, और बार बार जो हमारा नारा होता है कि शिक्षा अगर होनी है लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को, क्योंकि हमें लड़ना पड़ता है यहाँ तक आने के लिए। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग आ सके यहाँ पे, पढ़ सके, क्रिटिकल थिंकिंग रख सके, और एक बदलाव का सपना देख सके, एक ऐसे भारत का सपना देख सके जहाँ पे सबको शिक्षा, सबको काम हो, हेल्थ एजुकेशन सबको मिले, फ्री मिले, और ये उन सारी चीजों को बेच रहे हैं। शायद हमारे पुराने जनरेशन के जो लोग हो वो कभी सोचे नहीं होंगे कि पानी हमें खरीद के पीना पड़ेगा, लेकिन आज हम पानी खरीद के पी रहे हैं, और कल शिक्षा भी सबको खरीद के लेना पड़ेगा, उसका प्रोसेस शुरू कर चुके हैं ये मोदी जी। अभी जब पुलवामा में चीजें चल रही थी, इस कैंपस में एक एकेडमिक काउंसिल को हमने रोका था, बोला था हम नहीं चलने देंगे क्योंकि जेएनयू एसयू को नहीं बुलाया गया है, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाया गया है, और उसमें ये सारी पॉलिसी लेने वाले थे। जब हमारे देश में हमारे जो सुरक्षा हमें जो करते हैं उन पे इतना बड़ा अटैक हुआ, हमने बोला कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, और हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि आप ये सब चीजें मत कीजिए, ये दौर नहीं है, लेकिन हमारा वाइस चांसलर, उनको फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है देश में, नहीं चल रहा है, वो अपना काम करते रहे, हमारे ऊपर ये सारी पॉलिसी लाते रहे। उसी तरह मोदी जी भी अपना कैंपेन करते रहे, और उसी दौर में 5 हवाई अड्डों को बेच दिया,
और ये हमारा एजुकेशन बेच रहा है। ऐसे दौर में जब इलेक्शन हो रहा है तो इन लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है। ये जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, हमें जो नेशनल एंटी नेशनल का डिबेट सिखा रहे हैं, हमें नेशनल बनने की बात बता रहे हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि हमारे जैसा लोग हर एक इंसान हर एक घर में होता है, जो जेएनयू आने का सपना देखता है, जो पढ़ने का सपना देखता है, एक अच्छे भारत बनाने का सपना देखता है, उनको ये बताना चाहेंगे कि मोदी जी है तब मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तब मुमकिन है। शिक्षा है तब समानता है, शिक्षा है तब सम्मान है, शिक्षा है तब विकास है। ये सारी चीजें उनको समझानी पड़ेंगी। आपको लग रहा है कि बिना एजुकेशन का डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि नौकरी पकौड़े तलना, आपके लिए साइबर सेल में काम करना ये नौकरी है, तो हम नहीं मानते इसको नौकरी। नौकरी वही होती है जो ऐसा प्रोडक्शन हमें कराए ताकि इस देश को आगे लेके जाए, ना कि हिंदू मुसलमान में लड़ाए। गलत गलत वीडियो डाल के आप दंगे करवा लीजिए पूरे देश में, लेकिन ये देश आपको एक्सपोज करेगा, बोलेगा कि आप ये जो फॉल्स डाइकोटमी क्रिएट कर रहे हैं, इंटरनल एनिमी तब से किए जा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं और हम ये बताना भी चाहते हैं कि इस देश का अगर इंटरनल एनिमी कोई है तो ये आरएसएस के लोग हैं, और ये आज से नहीं, स्वतंत्रता के टाइम से है ये लोग। जब हमारे देश में लोग मर रहे थे, अपने जान दे रहे थे आजादी के लिए, तब ये सावरकर का फोटो इधर लगा है। ये लोग ही ब्रिटिशर्स को लेटर लिख रहे थे कि हमें माफी दे दीजिए, और अभी ये बोल रहे हैं कि मृत्युंजय जीतेगा या फिर मृत्यु जीतेगा या सावरकर। जब माफीनामा दोगे तो सावरकर जीतेगा, माफीनामा दोगे देश बेचोगे तो कौन जीतेगा? सावरकर जीतेगा। अगर इनकी चलती तो ब्रिटिशर के गुलाम होते हम, अभी भी हम गुलाम होते अगर इनकी चलती। और इसीलिए फिर से एक बार ये दौर आ गया है कि एक ऐसे लोग हैं जो फिर से हमें गुलाम करना चाहते हैं, जो देश को बेचना चाहते हैं अलग अलग तरीकों से। हवाई अड्डे बेच दिया, लाल किला तक बेच दिया, लाल किला। और इसीलिए जब सब कुछ बेचने की बात चल रही है तो हमें बताना पड़ेगा कि हम भगत सिंह के जनरेशन से, जो हंगर स्ट्राइक भी किया, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, लेकिन अपनी लड़ाई चलाता रहा, ये बोलता रहा कि अगर इंडिया होगा तो एक ऐसा इंडिया होगा जिसमें सबको समानता होगी, सब शिक्षा ले सकता है, सब हेल्थ ले सकता है, और इस तरह के भारत की सपना हम देखते हैं। और इसीलिए आज हम जनरेशन पे एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम सब मिलके इस मुद्दे को आगे लेके जाए और इनको बोले कि आप चाहते हैं एंटी नेशनल नेशनल का डिबेट करना, हम इन सारी चीजों पे डिबेट करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हमारी नौकरी कहाँ है, आप बताइए, हमारा एजुकेशन कहाँ है, आपने कितने हॉस्पिटल्स खोले हैं, कितने नए यूनिवर्सिटीज खोले, ये सारी चीजें आप बताइए, वरना आपको ये देश का जनता उखाड़ फेंकेगा, ये हम उनको बताना चाहते हैं। और इसी के साथ ये बोलते हुए यहाँ पे इस वाइस चांसलर का पुतला हम दहन करेंगे, उसको जलाएंगे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है इस कैंपस में उस सोच को, और उसके साथ साथ इस जो आंदोलन को यहाँ से जो आग जलेगी उसको हम आगे लेके जाएंगे। ये इंश्योर करेंगे कि पूरे देश में ये बात होनी चाहिए कि क्या चल रहा है जेएनयू में, कैसे एक तरफ आप ईडब्ल्यूएस कर रहे हैं और कैसे दूसरी तरफ लोगों का एक्सक्लूजन कर रहे हैं, किस तरह से सीट नहीं आ रही है एमफिल पीएचडी में, लोगों को रिसर्च करने ही नहीं देना है, एक सेंटर एक्सक्लूजन का, उसमें एसटी का सीट नहीं है, इससे बड़ा एक्सक्लूजन क्या होगा? आप डेप्रिवेशन पॉइंट्स, जिसके लिए जेएनयू जाना जाता है, वहां पे डेप्रिवेशन पॉइंट्स खत्म कर रहे हैं। बीए लेटरल एंट्री, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश में पूछते हैं, जो नहीं आ पाते हैं वो बीए सेकेंड ईयर में देते हैं, उनको वो बंद कर रहे हैं, और तब कर रहे हैं जब पूरा एसएल बोल रहा है कि हमें बीए लैटरल एंट्री का एग्जाम चाहिए। ऐसे दौर में जब ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो एनिमी है उसको अब उखाड़ फेंकना है, और इसीलिए इसको जलाने के बाद बाकी स्पीकर जिसको बोलना है बोले। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।